राजद कार्यालय में मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई। बैठक के बाद बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने बताया कि नालंदा और सासाराम में जिस तरह की घटना घटी है, इसे लेकर भी अल्पसंख्यक नेताओं और विधायकों के साथ बैठक हुई है। जिस तरह की साजिश हुई है, उस पर भी हम सभी ने कैसे हालात नॉर्मल हो, इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस पर हमला बोलते कहा कि ये बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जनता इनके मंसूबे कभी पूरा नहीं होने देगी। चर्चा हुई, जो अद्यतन हालात हैं, जो साजिशें की गई हैं, उन पर चर्चा हुई सभी माननीय सदस्यों के बीच, और उसको राष्ट्रीय जनता दल, हमारा महागठबंधन किस रूप में इसको ले रहा है, ये सब चर्चा का विषय रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में जो हालात खराब करने बिगाड़ने की जो कोशिश कर रही है उसको नॉर्मलाइज करने और जो आवाम है उनके बीच में जागरूकता और सद्भावना का वातावरण बनाकर हम उसे पाटने का काम करें। नालंदा और सतर में जो घटना घटी है, क्या आप लोग जाएंगे भी, क्या लोगों आपसे संवाद? नहीं, वो सब नेता से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और नेता उस पर पूरा पहले सरकारी स्तर पर क्या सब हो सकता है वो किया जा रहा है, और उसके साथ साथ पार्टी भी उस पर काम करेगी। ये 13 को इफ्तार पार्टी लगभग चर्चा है, लालू जी ने भी खुशी जताई है कि इच्छा। अब चलिए उस पर चर्चा होगी, अभी नहीं होगी। बीजेपी का स्थापना दिवस मना रहे थे, क्या बीजेपी आज 43वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, बोल रहे हैं कि 40 आरएसएस की बीजेपी? नहीं, बीजेपी का स्थापना दिवस, बीजेपी तो बहुत नई पार्टी, 400 सीट पर दावा कर रही है जीत ली। बीजेपी तो बहुत नई पार्टी है ना, बेसिक तो आरएसएस है उसका, तो आरएसएस तो लगभग 100 साल पुराना कट्टरपंथी संगठन है, तो उनको आरएसएस का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। बीजेपी क्या है, ये हार्ड कोर आइडियोलॉजी जो कि मानवता का माने खात्मा करने पर तुली हुई है, अब वो कुछ भी करे उसे काम आम जनता को। राजद कार्यालय में बैठक के बाद बिहार सरकार के विधि मंत्री समीम अहमद ने कहा कि 13 अप्रैल को राबड़ी देवी के आवास पर दावत इफ्तार का आयोजन हुआ है, इसे लेकर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी सहमति दी है। लालू प्रसाद यादव दावत इफ्तार में शामिल होंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हर साल की भांति इस साल भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जो 13 अप्रैल को होगी। लालू जी भी इसकी सहमति जताते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सभी लोगों का सहमति बना है, 13 अप्रैल को ये होगा। अच्छा सर, ये नालंदा और सासाराम की जो घटना घटी, तो क्या अभी तक आप लोग की तरफ से क्या रिपोर्ट पूछा है, क्या कई लोग हैं इस तरह के अस्तित्व हाथ को? वहाँ प्रशासन पूरे मुस्तैदी से काम कर रहा है, सामान्य स्थिति हो गई है, और जो भी दोषी पाया जाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जताई होगी कि कार में हमेशा रहते हैं।